वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या से पहले का सीसीटीवी आया सामने। फुटेज में दिखे चार लोगों में से दो लोगों ने जितिन सहनी से ब्याज पर लिए थे पैसे। जांच के मुताबिक एक संदिग्ध ने अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ी थी। बाइक को छुड़ाने ये लोग रात में जितिन सहनी के पास आए थे। जितिन सहनी से दो लोगों की दो दिन पहले हुई थी कहासुनी। दोनों संदिग्ध ने जितिन सहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दो संदिग्ध को हिरासत में लिया। दोनों से हो रही पूछताछ। पुलिस को 10 जुलाई का भी सीसीटीवी फुटेज मिला। बड़ी संख्या में लाठी डंडे से लैस लोग जितिन सहनी के घर में घुसते नजर आए। बिहार पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में दो डीएसपी और तीन थानों के इंचार्ज टीम में किए गए शामिल। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की। पूरे घर में तफ्तीश जारी। हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। हत्याकांड की हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मुआयना के लिए पहुंची। सबूत जुटाने की कोशिश में जुटे आला अधिकारी। एसपी काम्या मिश्रा ने दी जानकारी। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। डीएनए की भी की जाएगी जांच। पुलिस को जितिन सहनी के घर से कई अहम सुराग मिले। तीन मोटरसाइकिल, एक अलमारी और एक बॉक्स भी बरामद हुआ। यूपी उपचुनाव की तैयारी को लेकर सीएम योगी ने आज बुलाई अहम बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। सीएम योगी की बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद हो रही है बैठक। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अलग अलग की मुलाकात। नड्डा के साथ बैठक में उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। साथ में संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर हुई बातचीत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस और बुलडोजर एक्शन को रोका। अखिलेश यादव ने अयोध्या के साधु संतों से की मुलाकात। कहा चुनावी नतीजों ने बीजेपी की उड़ा दी नींद। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में बिजली के खंभों से लैंप लाइट गायब होने का आरोप लगाया। लिखा ये बीजेपी राज है या अंधेरे की नगरी। अखिलेश यादव ने किया दावा यूपी में सपा सरकार बनी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा पोस्ट। कहा आज भारत में दिहाड़ी मजदूरों से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी भयंकर तकलीफ में है। राहुल गांधी ने लिखा सबके हक की आवाज उठाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी मिली जगह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गठित नीति आयोग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पदेन सदस्य कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। सहयोगी दलों के मंत्री ललन सिंह, जितेंद्र मांझी, चिराग पासवान को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तेलुगु देशम पार्टी के राममोहन नायडू और जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी भी विशेष आमंत्रित सदस्य। जम्मू के पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते हैं 50 से ज्यादा आतंकी। हेलीकॉप्टर ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। घुसपैठ मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकियों, पूर्व एसएसजी और भाड़े के सैनिकों को भेज रहा है भारत। पाकिस्तान भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को पैसे के साथ आधुनिक हथियार और संचार सामग्री भी दे रहा है। घुसपैठ में मदद करने वाले एक गाइड को 10 से 50 हजार देता है। पाकिस्तान ने अपने आतंकी शिविर को भी किया सक्रिय। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में विफल रहने के बाद पैसे देकर आतंकवादियों को कर रहा है शामिल। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। बरेली के जिला प्रशासन ने तौकीर रजा को नहीं दी धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत। तौकीर रजा ने 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह की मांगी थी इजाजत। बरेली जिला प्रशासन ने कहा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा धर्म परिवर्तन का कोई आयोजन। ऐसा करने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर ने दर्ज कराया पुणे कलेक्टर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस। पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे की शिकायत पर हुआ था पूजा खेड़कर का ट्रांसफर। विवादों के बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन। एकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस मसूरी बुलाया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक तस्कर के घर पुलिस को मिली 20 से 25 फीट की सुरंग। पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। हजारीबाग के बड़का गांव में दो पक्षों में हिंसक झड़प। रामनवमी जुलूस रूट को लेकर झड़प हुई। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। मुंबई के डोगरी में निकाला गया मुहर्रम का ताजिया। भारी तादाद में जुलूस में लोग हुए शामिल। यूपी में आज निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। पीएसी और आरएएफ की 12 कंपनियां तैनात। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ के सोना वेश में होंगे दर्शन। उन्हें सोने के आभूषण से सजाया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंची। 19 जुलाई से दाम्बुला में शुरू होगा एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। आईसीसी ने विमेंस T20 रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें स्थान पर पहुंची। 3 स्थान का हुआ फायदा। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंची। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला फायदा। पेरिस ओलंपिक से पहले सुमित नागल ने दिखाया दम। नॉर्डिया ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। स्वीडन के इलियास यमेर को हराया। सुमित नागल ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 68वीं रैंकिंग हासिल की।
एटीपी रैंकिंग में 5 स्थान का हुआ फायदा, पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी।